नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम तीन अलग अलग तरह के मुखवास बनाएंगे, जैसे कि वरियाली का मुखवास, सफ़ेद तिल का मुखवास और सफ़ेद तिल अजवायन और गुठली का मुखवास। तो सबसे पहले सफ़ेद तिल अजवायन और गुठली वाला मिक्स मुखवास बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप सफ़ेद तिल, एक चम्मच नींबू का रस, आधी चम्मच नमक, तीन चम्मच अजवायन और चार चम्मच गुठली का तैयार मुखवास। सबसे पहले एक कटोरे में नींबू का रस लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, साथ में थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे और चम्मच से अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे ताकि नमक पिघल जाए। अब एक बाउल में सफ़ेद तिल लेंगे, उसमें अजवाइन डाल देंगे, फिर इसमें नमक वाला नींबू का रस डाल देंगे और सभी को हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए, तिल और अजवाइन थोड़े गीले हो गए हैं। इसे एक अन्य प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी थाली में अच्छी तरह बिछा देंगे। अब इस प्लेट को तकरीबन 6 घंटे तक धूप में रख देंगे ताकि तिल अच्छी तरह धूप में सूख जाए। बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि सभी ओर से धूप लगे। देखिए, तिल और अजवाइन अच्छी तरह सूख गए हैं। अब गैस की धीमी फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें अजवाइन वाला तिल डाल देंगे। अब इसे हिलाते हुए भुनेंगे। इसे सतत हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। तकरीबन 5 मिनट तक इसे इस तरह भून लेंगे। देखिए, तिल और अजवाइन अच्छी तरह भूनकर थोड़े फूलकर थोड़े मोटे हो गए हैं। अब इसमें पहले से तैयार किया हुआ गुठली का मुखवास डाल देंगे। गुठली के मुखवास की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इसे हिलाकर मिक्स कर लेंगे। सभी को थोड़ी देर भूनेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। मुखवास बन गया है। ये मुखवास खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसमें लिया हुआ अजवाइन वायु और गैस को मिटाता है और गुठली के मिलने से मुखवास का टेस्ट बढ़ जाता है। इसे आप कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकते हो। देखिए, हमारा सफ़ेद तिल अजवाइन और गुठली वाला मिक्स मुखवास बनके तैयार है। अब हम वरियाली का मुखवास बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप वरियाली, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और आधी चम्मच नमक। एक कटोरे में नींबू का रस लेंगे, उसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ में थोड़ा पानी भी डाल देंगे ताकि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे चम्मच से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में वरियाली को डाल देंगे, फिर इसमें नमक, हल्दी वाला नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब इसे हाथ से मसल कर मिक्स कर लेंगे। देखिए, वरियाली में नींबू का रस और हल्दी अच्छी तरह लग गए हैं। इसे एक थाली में निकाल लेंगे और पूरी थाली में अच्छी तरह बिछा देंगे। अब इस थाली को तकरीबन 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि वरियाली अच्छी तरह धूप में सूख जाए। बीच में हिलाते रहेंगे जिससे कि वरियाली हर तरफ से सूख जाए। देखिए, वरियाली अच्छी तरह धूप में सूख कर तैयार है। इसका कलर भी थोड़ा बदल गया है। अब गैस की धीमी फ्लेम पर एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें सूखी वरियाली को डाल देंगे, फिर इसे सतत हिलाते हुए भुनेंगे ताकि वो जल ना जाए। तकरीबन इसे भी 5 मिनट भुनेंगे। आप देख सकते हो, वरियाली भी भुनकर थोड़ी फूल गई है और रंग भी बदल गया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भून सकते हो, पर गोल्डन डार्क होने तक भूनेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए, मुखवास बन गया है। इसे खाने से मुंह में खुशबू और ठंडक फैल जाती है। ये शरीर को भी ठंडक प्रदान करती है। आप इसे थोड़े समय के लिए स्टोर भी कर सकते हो। देखिए, हमारा वरियाली का मुखवास बन के तैयार है। अब हम सफ़ेद तिल का मुखवास बनाएंगे। इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप सफ़ेद तिल,
आधी चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले एक कटोरे में नींबू का रस लेंगे, फिर इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। हमने यहाँ हल्दी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि सफ़ेद तिल पीले हो जाए। आप चाहो तो इसे ज़्यादा या कम कर सकते हो। साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे। अब सभी को चम्मच से हिलाकर मिक्स करेंगे ताकि नमक पिघल जाए। पानी कम लगे तो थोड़ा डाल सकते हो। फिर एक बाउल में सफ़ेद तिल लेंगे, उसमें हल्दी वाला नींबू का रस डाल देंगे। इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे तिल पीले और गीले हो जाए। अब इसे एक थाली में ले लेंगे और अच्छी तरह बिछा देंगे। इस थाली को 6 घंटे तक धूप में रख देंगे ताकि तिल धूप में सूख जाए। बीच बीच में ही लाएंगे ताकि हर तरफ से सूख जाए। देखिए तिल सूख गए हैं। अब गैस की धीमी फ्लेम पर एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें तिल डाल देंगे। अब इसे सतत हिलाकर भूनेंगे। ताकि ये जल ना जाए। तकरीबन 5 मिनट तक इसे भूनेंगे। आप देख सकते हो तिल अच्छी तरह भून रहा है। तिल के हल्का डार्क होने पर और फूल जाने पर गैस बंद कर देंगे। इस मुखवास को भी आप कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हो। देखिए हमारे तिल बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के नाम के पास बेल आइकन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।